नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल के माध्यम से एक बार फिर से। आइए बात करते हैं अपनी सेहत को लेके, अपने स्वास्थ्य को लेके। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। दोस्तों, हम सब अपने आप को स्वस्थ और निरोगी रखना चाहते हैं। हम अपने बाहरी अंगों का तो बहुत केयर करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारे जो शरीर में जो छोटी छोटी मशीनरियां हैं, छोटे छोटे ऑर्गन हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा, उनका ध्यान कौन रखेगा कि उनका सही से फंक्शन कैसे होगा, क्या ज़रूरी है उनके लिए, ये सब हम भूल जाते हैं। तो आज हम उसी के लिए बात करेंगे दोस्तों कि हमारे जो अंदर छोटी छोटी मशीनरियाँ हैं, छोटे छोटे ऑर्गन हैं, उनकी केयर कैसे करनी है हमको। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये तीनों हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। इनके बिना हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन्हें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं और यह तीनों, मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, हमारे शरीर को एनर्जी और मांसपेशियों की रिकवरी करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ही हमारे शरीर के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ गए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं विटामिन और मिनरल्स। ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व हैं, हालांकि बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन बहुत ही ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, जो विटामिन है, ये हमारे बालों के लिए, हमारे नेल्स के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए और हमारी बॉडी की जो बोन्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, जैसा कि आपके इम्यून सिस्टम के लिए आपको विटामिन सी चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट के लिए आपको विटामिन ए चाहिए, आपकी आंखों की रोशनी है जो आंखों की रोशनी के लिए आपको बीटा कैरोटीन चाहिए, आपकी बोन्स के लिए, आपकी बॉडी में जो बोन्स हैं उनके लिए आपको कैल्शियम चाहिए। कहाँ से लेंगे आप? क्या आप अपनी डेली डाइट से ये सब ले पाते हैं? जी नहीं। कोई भी पर्सन है जो अपनी डेली लाइफ से, डेली डाइट से ये सारे मल्टी विटामिन और मिनरल्स नहीं ले सकता है, तो इसलिए हमें मल्टी विटामिन की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगला सवाल आता है कि हमें मल्टी विटामिन किस उम्र में लेने चाहिए। तो दोस्तों, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये 15 साल से 90 साल तक का कोई भी व्यक्ति ले सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, वर्कआउट आप करें या ना करें, हम सबको मल्टी विटामिन की ज़रूरत है, हम सबको लेना चाहिए। और दोस्तों, अगला सवाल आता है कि मल्टी विटामिन जो है हमें किस ब्रांड का लेना चाहिए। तो दोस्तों, आप कोई भी ब्रांड पिक कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखें कि उस ब्रांड में मल्टी विटामिन के साथ मिनरल्स भी प्रेजेंट हों। तो इसलिए आप ऐसी ब्रांड पिक करें जिसमें मल्टी विटामिन के साथ मिनरल्स हों। कोई भी ब्रांड पिक कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, ये थी मेरी क्विक इन्फॉर्मेशन मल्टी विटामिन के बारे में। ठीक है दोस्तों, ख्याल रखिएगा अपना, अपने स्वास्थ्य का, अपनी सेहत का। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।